हैदराबाद यह बस एक शहर नहीं इमोशन है यार, जहां हर साल मेरी तरह लाखों लोग एक जॉब ढूंढने, बिजनेस स्टार्ट करने और यहां का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने आते हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट बिरयानी चखने आते हैं। बट यार एक साल पहले मैं यहां बिरयानी खाने नहीं, जॉब करने आया था। घर वाले तो काफ़ी खुश थे कि बेटा बड़ा हो गया है, भाई की जॉब जो लग गई है, अब तो पैसे कमाएगा, पैसे घर भेजेगा और सबके सपने पूरे करेगा। बट उन बेचारों को ये कहाँ पता था कि जितने पैसों में अपने यहाँ एक पूरा घर किराए पे आ जाता है, यहाँ एक रूम भी मुश्किल से मिलता है। तो चलो यार जानते हैं कि तुम्हारे खून पसीने की कमाई का कितना हिस्सा तुम यहाँ रखकर और कितना अपने साथ ले जा पाते। हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई थी कि भैया अपनी सैलरी बताइए, भैया आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको अफोर्ड करने के लिए हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन माय मंथली एक्सपीरियंस कि मेरा पूरे महीने का खर्चा कितना आता है और फिर उस फिगर को हम लोग मिनिमाइज करेंगे कि कम से कम वो फिगर कितना बन सकता है, सो डेट अ गाय अर्निंग 3 LP और 4 LP कैन सस्टेन अ लिविंग, और हम देखेंगे क्या ये रियली में पॉसिबल है। सो यार ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बाउंस टू द वीडियो। सो यार इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी सैलरी 4 LP है कि 40 LP, जो सबसे ज्यादा तुमको हर्ट करने वाला और तुम्हारी सैलरी से जो सबसे बड़ा अमाउंट जाने वाला है वो है यहाँ का स्काई रॉकेटिंग रेंट। क्या लगता है तुम्हें मैं इस रूम का कितना देता हूँ? बाय द वे दिस इज अ 3 BHK जिसमें 3 रूम है और इट्स अ फुल्ली फर्निश्ड। द रेंट ऑफ दिस रूम इज 18,000 और बाकी के रूम के भी ऑलमोस्ट इतने ही हैं। आई नो यार इतने में तो हमारे यहाँ पूरा घर आ जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली यार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रूम ही है। अब हम बात करें अगर इसका मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट भी, अगर मिनिमम से मिनिमम फ्लैट भी अगर तुम देखोगे, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 8,000 to 10,000। और तुमको और भी डिटेल में जाना है अबाउट द प्राइसेस तो तुम ये वाला वीडियो जरूर मेरा चेक करना जो मैंने फ्लैट हंट पे बनाया है। एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टे एट PG देन PG वाला वीडियो भी जरूर मेरा चेक कर लेना। सो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम अगर ठीक ठाक मिनिमम से मिनिमम रेंट लेके रहोगे, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 8,000। तुम उससे नीचे भी जा सकते हो, 5,000 में मिलेगा, बट दैट इज नॉट लिवेबल यार। सो लेट्स नोट इट डाउन बोथ ऑफ द एक्सपेंसेस अंडर माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द मिनिमम एक्सपीरियंस। तो मिनिमम एक्सपीरियंस में मेरा हो जाता है 8,000 और मेरा पर्सनल में मेरा पूरा रेंट हो जाता है 18,000। देखो यार बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन हैदराबाद फॉर मोर देन 1 ईयर, आई एम ओके पेइंग दिस मच रेंट, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है ना विच एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस्ड, अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, बिकॉज एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। एंड इफ यू ऑल्सो वॉन्ट कि मैं भी कोडिंग सीखूँ एंड गेट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब, देन डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट विथ वेब डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था एंड इट इज द ईजिएस्ट वे टू ब्रेक इट इन टू द टेक इंडस्ट्री। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार सीखे कहाँ से, यूट्यूब पे तो हजारों कोर्सेज हैं कहाँ से। सो आई रिसेंटली came across this platform called Odin School. So they have recently launched a full-fledged front-end web development course in React, which is updated with the industry curriculum. Now in this course, tumko ye HTML, CSS, React, Redux, aur jo bhi front-end frameworks and tools hai, wo bilkul scratch se sikhate hain. Along with that, ye seekhne ke baad, they also help you make industry-level projects, which will add a lot of value to the resume when you will be searching for jobs. And while making project, if you get stuck kahin pe, then definitely they provide you one-to-one mentorship. तो यार एक बार तुम्हारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, देन दे ऑल्सो गिव यू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड दे ऑल्सो हेल्प यू फाइंड द जॉब थ्रू देयर डेडिकेटेड जॉब पोर्टल। इनके डेडिकेटेड जॉब पोर्टल में दे हैव मोर देन 500+ MNCs एंड स्टार्टअप्स। एंड इफ यू चेक देयर वेबसाइट, दे ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट हु एक्चुअली टुक दिस कोर्स एंड दे आर ऑलरेडी वर्किंग एट द टॉप स्टार्टअप्स एंड द टॉप MNCs। सो डोंट डिले इट गाइज, इनका अपकमिंग कोहोर्ट 27 July को स्टार्ट होने वाला है। So definitely I have given a link in the description. Go sign up, grab a seat and learn coding. So now let's continue to the video. Rent के बाद यहाँ दूसरा सबसे बड़ा खर्चा आता है वो होता है food. तो मेरा क्या सीन होता है कि हर फ्राइडे ऑफिस से आने के बाद मैं निकल जाता हूँ सब्जी मार्केट जो मेरे पास में ही लगता है, तो मुझे फ्रेश और थोड़ी सब्जियाँ सस्ती मिल जाती है, वरना मैं सारी सब्जियाँ जेप्टो या ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। तो सब्जियों से तो काम होगा नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि तेल हो गया, राइस हो गया, दाल हो गया, शुगर हो गया, ऑब्वियसली मैं थोड़ा शुगर अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, एंड अंडे हो गए, डेफिनेटली सी माई मसल्स,
तो अंडे का कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मेरे साइड से। पनीर हो गया, हफ्ते में दो बार पनीर बन गया, और अंडा तो ऑलमोस्ट हर रोज़ ही बनता है, यू नो, इधर ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में। सो अगर इन सब का मैं अगर टोटल करूँ तो डैट कॉस्ट मी अराउंड पूरा राशन 3000 का पड़ जाता है, इंक्लूडिंग मिल्क एंड एवरीथिंग, बटर, सारा चीज़ जो तुम सोच सकते हो। तो इसमें मैं मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ 2000। तुम बहुत काट के भी चलोगे तो तुम्हारा राशन का खर्चा 2000 आएगा, एंड मेरा मैं लिख लेता हूँ 3000। जो भी मैं 2500 की ग्रोसरीज लाता हूँ वो मैं ऑब्वियसली खुद से तो बनाऊँगा नहीं, तो मैंने रखा है कुक। तो कुक का खर्चा मुझे ऑलमोस्ट महीने का पड़ जाता है 2 से 2500 रुपये, टू बी एग्जैक्ट 2.33। अगर आप इसमें मिनिमम से मिनिमम भी अगर कुक आप अफोर्ड करोगे तो यार 2000 तो देने पड़ ही जाएंगे। सो ये जो पूरा खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो बना के जाती है, यू नो, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट और लंच बनाती है और शाम को डिनर। तो आज बना है दाल भात चोखा और आलू के पराठे। तो यार बाकी बातें खाने के बाद करते हैं। तो यार ऐसा है, हमारी जो कुक है वो मंडे टू सैटरडे आती है और संडे को नहीं आती है। तो उस दिन यार हम लोग इधर बाहर से मंगाते हैं या फिर खुद से कुक कर लेते हैं। तो यूजुअली मैं थोड़ा डाइट कॉन्शियस हूँ एंड आई प्रेफर टू ईट हेल्दी। तो यूजुअली मैं पूरे मंथ में 2 वीक खुद से कुक करता हूँ एंड बाकी के दिन मैं बाहर से ऑर्डर करता हूँ। तो उस केस में मेरा जो एक्सपेंस है वो अराउंड मैं 1000 लेके चल रहा हूँ, एंड फॉर नॉर्मल पीपल मिनिमम अगर तुम 4 बार ऑर्डर करोगे तो इट विल कॉस्ट यू 2000। सो लेट्स ऐड बोथ ऑफ देम टू द मंथली एक्सपेंसेस। तो यार तुमने ग्रोसरी मंगा लिया, कुक हायर कर लिया, अब ये पूरा खाना बनाने के लिए तुम्हें फ्यूल भी तो चाहिए। तो एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर अराउंड 1400-1500 का पड़ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 3 लोग हैं, तो मेरा इक्वल शेयर 3 लोगों में स्प्लिट होके अराउंड 500 के अराउंड आ ही जाता है मंथली। अगर तुम इसको मिनिमम से मिनिमम भी ऐड करोगे तो अराउंड 300 हो जाएगा। यार खाने का एक्सपेंस तो शॉर्ट हो गया। तो ऑब्वियसली यार अगर तुम अपना खुद का फ्लैट लेके रह रहे हो तो उसको तुम क्लीन, साफ सुथरा देखना पसंद करोगे। तो उस केस में तुम एक मेड हायर कर सकते हो, और यहाँ पर मेड हायर करने के चार्जेस अराउंड 1000 रुपीज़ पर पर्सन है। बट मेरे केस में क्या है कि मेरा जो मेड है वो वीकली बेसिस पे आती है, डैट इज़ इंक्लूडेड इन माई रेंट। सो उस केस में मेरा जो एक्सपेंस होता है मेड का वो अराउंड 0 हो जाता है, एंड मिनिमम एक्सपेंस तुमको कोई भी मेड मिलेगी डैट इज़ अराउंड 1000। सो लेट्स ऐड बोथ ऑफ देम टू द टोटल एक्सपेंस। तो अगला खर्चा जो तुम्हारा होता है वो होता है कम्यूट। तुम जाओगे ऑफिस, ऑफिस से तुम आओगे वापस, तो उसमें तुम ऑब्वियसली चल के तो जाओगे नहीं, उसके लिए तुम इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगे या फिर तुम खुद, या फिर तुम्हारी खुद की व्हीकल होनी चाहिए। बट मेरे केस में मैंने खुद की बाइक परचेज की थी लास्ट ईयर, तो उसमें मुझे अराउंड 1000-1500 का पेट्रोल पड़ जाता है। बट मोस्ट ऑफ द लोगों के पास खुद का ओन व्हीकल स्टार्टिंग में नहीं होता है, तो उस केस में वो यूजुअली रैपिडो करते हैं। तो तुम एक दिन का अगर रैपिडो का बिल देखोगे तो आराम से तुमको 100 रुपये पड़ जाएंगे। अगर तुम 20 वर्किंग डेज का देखोगे तो इट ईजिली कॉस्ट यू 2000 रुपीज़। तो लेट्स ऐड बोथ ऑफ देम टू दी मंथली एक्सपेंसेस ऑफ माई एक्सपेंसेस एंड मिनिमम एक्सपेंसेस। तो यार तुमने मंडे टू फ्राइडे दबा के किया है काम, सो एवरीवन डिजर्व्स अ ब्रेक। सो उस केस में कुछ लोग अपने फ्रेंड के साथ आउटिंग जाते हैं, कुछ लोग क्लब जाते हैं, कुछ लोग यू नो कहीं घूमने निकल जाते हैं। बट मेरे केस में यू नो मैं बहुत कम बाहर जाता हूँ, यूजुअली वीकेंड पर बैठ के अपना वीडियो एडिट करता हूँ यूट्यूब का। बट इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल। तुम अगर चाहो तो वीकेंड में 10000 भी खर्चा कर सकते हो, और चाहो तो अपना एक्सपेंस 0 भी रख सकते हो। बट यहाँ पर मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि तुम एटलीस्ट 2000 तो महीने का वीकेंड पे, 4 वीकेंड पे उड़ा ही दोगे। सो लेट्स ऐड 2000 टू द मिनिमम एक्सपेंसेस एंड 1000 रुपीज़ टू माई एक्सपेंसेस। तो यार इसके बाद जो अगला खर्चा मेरा आता है वो बिल पे आता है। सो बिल मोस्टली इंक्लूड्स तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाईफाई बिल। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो यूजुअली समर के टाइम में और विंटर के टाइम में वैरी करता है, क्योंकि हैदराबाद इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस। सो इन दैट केस कभी कभी मेरा बिल तो 2000-3000 तक आया है, बट इन विंटर तुमको 400-300-500 इसके अराउंड आता है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं पूरे साल का पर महीने का कैलकुलेट करूँ तो अराउंड मेरे को 1000-1200 रुपये पड़ ही जाते हैं। एंड अगर इसमें मैं वाईफाई का भी जोड़ दूँ तो वाईफाई का मैं पर मंथ 1200 रुपीज़ देता हूँ, तो डैट गेट्स इक्वली स्प्लिटेड। अगर मैं दोनों का ऐड करूँ तो डैट विल कॉस्ट मी अराउंड 1500 रुपीज़। अगर तुम इसका मिनिमम से मिनिमम भी करोगे तो तुम्हारा एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 रुपीज़ पड़ेगा एंड 300 तुम्हारा पड़ेगा वाईफाई का। सो तुम्हारा ओवरऑल बिल यहाँ पर 800 हो जाता है एंड मेरा यहाँ पे हो जाता है 1500। तो अब यार हमारा अगला खर्चा आता है अमेनिटीज। सो अमेनिटीज से मेरा मतलब है कि तुम्हारा जैसे पर्सनल हाइजीन हो गया, स्किन केयर हो गया, तुमको अपने कपड़ों को साफ रखने के लिए डिटर्जेंट्स चाहिए, सोप चाहिए, तुम्हारे बर्तन धोने के लिए उसका विम बार चाहिए, वो सब चीज़ें भी इंक्लूड होती है डेफिनेटली। सो अगर मैं उसका ओवरऑल अपने पूरे मंथ का खर्चा देखूँ तो मेरे को अराउंड 2000 के अराउंड पड़ ही जाता है। अगर तुम इसका मिनिमम से मिनिमम भी देखोगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1000 रुपीज़, क्योंकि तुमको डिटर्जेंट तो चाहिए होगा, पर्सनल हाइजीन के लिए तुमको बेसिक चीज़ें तो चाहिए
ही होगी। तो अभी तक मैंने जो भी खर्चे बताए इसके अलावा और भी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं, जैसे कि तुम हर महीने हेयर कट लेते हो, मसाज कराने जाते हो। बहुत तेज हो रहा है। हेयर मसाज की बात कर रहा हूँ। एंड कभी कोई सडन प्लान बन गया, कोई तुम्हारा फ्रेंड आ गया, किसी को तुमको पैसे भेजने हैं, कहीं तुमको शॉपिंग करने जाना है, कहीं आउटिंग का प्लान सडन बन गया, तो उस केस में तुम्हारे कुछ पैसे खर्च हो जाते। तो अगर मैं अपना मिसलेनियस जोड़ूँ तो अराउंड मुझे 2500 रुपये महीने का खर्च हो जाता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, बट ऑन एन एवरेज तुम इसको पकड़ के चलोगे तो मिनिमम से मिनिमम तुम्हारा मिसलेनियस में 1000 रुपये मैं मान के रखता हूँ, क्योंकि हेयर कट लोगे ही, पर्सनल हाइजीन टेक केयर करोगे ही, और भी बहुत कुछ सडन प्लान्स हो ही जाते हैं, तो पैसे कहीं ना कहीं उड़ते ही रहते हैं। तो फाइनली यार हमारा पूरा एक्सपेंस, पूरे महीने का तुम्हारा जो भी खर्चा होता है वो यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके तुमको दिखा दिया है। तो मेरा एक्सपेंस जो यहाँ पूरा बन के आता है वो अराउंड 32,000-33,000 के अराउंड आता है। एंड मिनिमम जो आता है अगर कोई भी इंसान यहाँ पे हैदराबाद मूव इन कर रहा है, अगर हर चीज़ पे वो थोड़ा कट करके चले तो उसका एक्सपेंस अराउंड 20,000-22,000 आ रहा है। और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा रखी है, तो आप चाहो तो उन सब चीज़ों को भी कट डाउन करके जो टोटल एक्सपेंस आराम से 20,000 के नीचे ला सकते हो। सो द मेन क्वेश्चन इज कि क्या 3LPA जॉब में हैदराबाद जैसे हाईटेक शहर में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा है, क्या 3LPA में सर्वाइव कर सकते हो? तो आंसर इज येस। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जहाँ पे उनका मंथली एक्सपेंस 60,000-70,000 रुपीज़ है, और कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपना पूरा मंथ का गुजारा 15,000-20,000 में भी कर लेते हैं। सो ये टोटली तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपना एक्सपेंस कैसे मैनेज करते हो। अगर तुमको लगता है मैंने कोई चीज़ इसमें मिस कर दी है, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड स्टिल इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, इसका लिंक कहीं पे यहाँ पे आ रहा होगा। एंटिल देन लाइक, शेयर एंड